क्षेत्र में निरंकारी संत समागम पर जैसे ही सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन हुआ, हर भक्त हर्षित हो गया। और इन्हीं भक्तों से करते हैं बात, तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? हम दिल्ली से आए हैं, दास का नाम सोनू है। तो ये बताइए, जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन हुआ, आपको कैसा फील हुआ? हमें बहुत ही सुकून मिला दिल से, मन से, बहुत ही ज़्यादा। वो हमारे भगवान हैं सदगुरु माता सुरेंद्र जी, सुदीक्षा जी माता जी, और हमें बहुत ही सुकून मिला। ये सब उनके स्वागत के लिए जितने भी सेवादार हैं, सब उनके भक्तजन हैं और उन्हीं को ही प्राप्त करते हैं, उन्हीं को ही मानते हैं सदगुरु माता जी को। तो इन्होंने भक्तों ने यहाँ पे दर्शन किए और काफ़ी अर्चित दिखे। मेरे पास एक ये आप बैग में देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक ग्रुप आया हुआ है, इन्होंने सदगुरु का स्वागत के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। मैं बताता हूँ आपको, ये क्रम से पूरे भक्त खड़े हुए हैं और साथ में इनकी ये पूरी टीम है, आप टीम को देख सकते हैं। और ये किस तरीके से सदगुरु के वेलकम के लिए यहाँ पे ये टीम दिख रही है और साथ में ये सब भी दिख रहे हैं और ये सब यहाँ पर म्यूजिक बजा रहे हैं और म्यूजिक बजाकर ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं कि आज जो विधिवत सत्संग का शुभारंभ हुआ है, तो यहाँ पर ये सत्संग के साथ साथ ये सदगुरु की आशीषें प्राप्त करने के लिए, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये जुटे हुए हैं और यहाँ पे सब ये काफ़ी हर्षित भी दिख रहे हैं। तो इस पूरे जो टीम के जो कप्तान हैं, मैं इनसे ही बात करता हूं और जानता हूं कि ये सब इन्होंने तैयारी करी है, कहां से आए हैं, क्या इसके लिए इन्होंने पूरा तैयारी की थी, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और कहां से आए ये बताइए। मेरा नाम संदीप है और ये हमारा दोनों भी बैंड, जो बहनों का बैकपेपर बैंड और हमारे जेंट्स भाइयों का ब्रास बैंड है, और हम बम्बई थाना से आए हैं। और ये जो हमारा सालाना जो संत समागम होता है, इस बार हमारा जो अमृत महोत्सव वर्ष जो मनाया जा रहा है, 75 ईयर्स हो गए इस समागम को, और हम सारे वही तैयारी से यहाँ पर वो आनंद लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने, ये पूरी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्म यहाँ पे की है, तो इसके लिए आपको कितने दिन तैयारी करनी पड़ी? ये हम सालों साल यहाँ पर हमारे शहरों में तैयारी करते हैं, जो हमारा महाराष्ट्र का भी समागम होता है या हरियाणा का भी समागम होता है, तो हम रेगुलर यहाँ पर आने के लिए हमारी जो महीनों महीनों भर हमारी जो सारी तैयारी हो चलती है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी इस पूरी टीम में लगभग कितने सदस्यों ने, बहनों ने, भाइयों ने परफॉर्म की है? सेम है कि जैसे भाइयों में हमारे 25-30 जवान हैं और बहनों में भी 25-30 बहनें हैं, वो सारे वो तैयारी करते हैं। मतलब ये मान के चले हैं लगभग 50 मेंबर्स जो हैं इसमें हैं और सबने अपने अपने ये वाद्य यंत्र बजाए हैं और वहीं बहनों ने यहाँ पे अच्छा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया है। तो इसके साथ साथ आप ये बताइए कि आपको ये सब आज वेलकम करके कैसा आभास हुआ, कैसी अपने आप में अंदर आत्म अनुभूति हुई आपको? बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये हमारे सदगुरु माता जी है और उनको स्वागत के लिए अगर हमारा बैंड यहाँ पर आया है वही तैयारी से, तो हमें बहुत ही आनंद हो रहा है। अच्छा, वैसे ये सब लग तो ऐसे रहे जैसे आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या सचमुच आप आर्मी से ही जुड़े हुए हैं? नहीं, कई ऐसे जवान हमारे और बहनों भी प्रोफेशनल जॉब से ताल्लुकात रखते हैं, कई इसमें इंजीनियर भी है, कई आर्किटेक्ट भी है और सारे कई कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, अपने अपने प्रोफेशनल से वो सारे महात्मा अपनी तैयारी से है। तो मैं बता दूं कि ये इसमें हम जो टीम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब कोई इनका यही जॉब है, कोई अलग अलग जॉब से जुड़े हुए हैं, कोई शायद बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई किसी ऑफिस से जुड़ा हुआ है और कोई सैनिक है, कोई फौजी है। तो इस तरीके से इन सब ने मिलकर अपने सदगुरु को खुश करने के लिए, अपने सदगुरु का वेलकम करने के लिए ये तैयारी की और आज ये दृश्य सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आज 17 नवंबर का दिन है, गुरुवार का दिन है और आज यहाँ पर सत्संग का जो माहौल है वो वास्तव में हमें बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है और उसका कारण यह है कि सभी ने यहाँ पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। पूरे 3 वर्ष के बाद यह मौका मिल रहा है। तो इस तरीके की झलकियों के साथ मैं आपको देता रहूँगा 75वें निरंकारी संत समागम की हर अपडेट। आप बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए GJD न्यूज, किशोर स्वाणी इसरानी और अजीत कुमार के साथ।